यमुना जी तो कारी। हरे कृष्णा। कौन कहता है बच्चों वाले घर में सफाई रह सकती है। 8:30 बजे, अभी सुबह के 8:30 ही बजे हैं। इसने देखो घर का हाल क्या किया है, क्या किया है घर का हाल। एक मिनट, ये देखो, ये पूरे दीवान की चद्दर, ये देखो लड्डू गोपाल जी की, वो इसने खाट इस चेयर के नीचे रख दी सब उतार के मंदिर से। और यहाँ पर ये देखो कुछ ट्राई तो मैं इसके फेंक चुकी हूँ और कुछ ट्राई फेंकना बाकी रह गया है। तो इतना घर सड़ाती है, ये साफ करेगी नहीं करेगी, तो एक नंबर की गंदी बच्ची हो गई है, नहीं हो गई है। क्या बोलते हैं, कल आयुधरा, कल जब हम कथा में गए थे तो तुम्हारे बिस्किट वहीं रह गए थे। मैंने ना बिस्किट, इसने मुझे बिस्किट दिए और मैंने साइड में रख दिए क्योंकि मेरे हाथ थोड़े गंदे थे। मैंने कहा बाद में पर्स में डाल लूँगी। उसके बाद में खड़ी होके एकदम अपने घर आ गई। और फिर मैं तो इस दुकान से दिला लाती, लेकिन रात को 9 बजे सारी दुकानें यहाँ पर हल्द्वानी में बंद हो जाती हैं। और ये इतना इसने मतलब 10-20 रुपए के बिस्किट के लिए इसने इतना मतलब रोई, ये इतना चिल्लाई, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया, गुस्सा अभी तक आ रहा है मुझे कि ये बच्चे ना बहुत चिल्लाते हैं। बस जैसे बाबू अब आप चिल्लाओगे तो नहीं, तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। चिल्लाओगे या नहीं चिल्लाओगे ये बताओ। अच्छा आपसे ऐसा करना, तुम अपने आप पर्स के अंदर डाल देना, जैसे मम्मा भूल जाती है ना, तो तुम आपसे अपने आप पर्स के अंदर डाल दिया करो, ठीक है। सुनाओ। कोई बात नहीं, आज सेकंड डे है। मैंने जो एश गार्ड का जूस बनाया है, मेरे पास जो जूसर बाहर से, जैसे हम जूस पीते हैं तो वो उन लोगों के पास जूसर होता है ना, उसी में मेरे पास छोटा है। उसमें ना सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है, जूस तो निकालो लेकिन उसको फिर सारी चीज़ें निकाल कर उसको धोने में बहुत हेडेक लगता है। तो लेकिन मैं आज से ट्राई करूंगी, क्योंकि जो मेरे पास प्लास्टिक वाला है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये प्लास्टिक वाला है ना, इसमें मुझे लगता नहीं है कि इतना ठीक से प्रॉपर निकल जाता है ये एश गार्ड। तो मेरे पास जो दूसरा वाला है वो, मैं जब बेडशीट मंगा रही थी ना, तो मुझे पता नहीं था कि आजकल ऐसी बेडशीट आ रही हैं जिनमें चारों ओर इलास्टिक लगा होता है, तो वो गद्दे के अंदर आसानी से फोल्ड हो जाती है, उससे बच्चे कितना ही हल्ला करें वो बेडशीट ना ख़राब नहीं होती है। तो मैंने क्या करा है ना, मैंने इस बेडशीट में देखते हैं, मैंने ये निशान लगाया, ये निशान लगाया, ऐसे ही इसके चारों ओर निशान लगा दिया है मैंने। तो अब मैं क्या करूंगी ना, मैं एक पतली सी डोरी सिल के इसके दोनों तरफ इसको अटैच कर दूंगी। तो उससे ये होगा, ये चादर अभी जैसे उल्टी बिछाई है ना, जब सीधी बिछाऊंगी तो वो जो डोरी है वो चादर के नीचे आ जाएगी और उसे चारों तरफ से वो डोरी से कसा रहेगा गद्दा, तो उसे बेडशीट को बार बार ना सही नहीं करना पड़ेगा। जैसे सुबह बिछाएंगे वैसे ही शाम तक मिलेगी। तो इससे बच्चे कुछ भी करें, जैसे कि ये कितना ही खराब करे, अब देखो ये चेयर ले आई है दीवान के ऊपर, ये कितना ही खराब करेगी ना बेडशीट, मेरी बेडशीट खराब नहीं होगी, इधर से उधर नहीं जाएगी। ये इतनी शैतान है ना, अभी दिखाती हूँ क्या कर रही है। अगर तू गिरी तो तेरे 2 थप्पड़ और लगाऊंगी। ये देखो पूरा बस चलो जल्दी। ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। श्री हरिवंश।